नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम एक और नई माइक्रो एसयूवी की बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है ह्यूंडई की कैस्पर जो कि टाटा पंच को टक्कर देगी। अब हम देख लेते हैं कि इस माइक्रो एसयूवी में क्या इंजन और पावर आपको मिलेगी। जानकारी के अनुसार कैस्पर में 1 लीटर की क्षमता वाली दो पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल करेगी, जिसमें एक नेचुरल एस्पायर्ड होगा और दूसरा टर्बो इंजन होगा। नेचुरल एस्पायर्ड इंजन 76 bhp की पावर और 4-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आएगा। वही टर्बो इंजन 100 bhp की पावर जनरेट करेगा और इसे भी 4-speed ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा। आपको एक और बात बता दूं कि इस इंजन का इस्तेमाल ह्यूंडई वेन्यू में भी किया गया है, तो आप कैस्पर को हल्के में बिल्कुल भी मत आकिए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस और इसकी लॉन्चिंग के बारे में। खबर ये है कि इस एसयूवी की कीमत 5 लाख के अंदर ही हो सकती है और बाजार में आने के बाद ये कार हाल ही में पेश की गई टाटा पंच, काइगर और मैग्नेट जैसे मॉडलों को टक्कर देगी। ह्यूंडई अपनी इस माइक्रो एसयूवी को पहले तो साउथ कोरिया में पेश करेगी और इसके बाद ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी इसे अगले साल तक बिक्री के लिए पेश कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कि कैसी होगी इस माइक्रो एसयूवी की डिजाइन और लुक। ह्यूंडई की पारंपरिक कारों के अनुसार इसके फ्रंट में स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प, एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, स्क्रूलर हेडलैम्प इस कार की फ्रंट लुक को और भी आकर्षक बनाती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें स्क्वायर्ड ऑफ व्हील आर्क के साथ रूफ रेल्स और स्टाइलिश ड्यूअल टोन एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को भी आप फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।